कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। साथ ही संगठनात्मक बदलाव की मांग उठाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी के भविष्य के रोडमैप के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्य समिति ने यह स्वीकार किया कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बीजेपी आज सोमवार को रात तक इसका ऐलान कर सकती है। फिलहाल रेस में सबसे आगे प्रमोद सावंत का ही नाम है। खबरें थी कि प्रमोद सावंत 14 मार्च को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमारे MLA गणेश गांवकर को शपथ दिलाई है। राज्यपाल ने उनको हमारे बाकी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया है। 39 विधायकों को शपथ दिलाने के लिए कल यानी कि 15 मार्च सुबह 11:30 बजे सब विधायकों को सदन बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बसपा ने मुसलमानों की वोट शिफ्टिंग को हार का एक बड़ा कारण बताया है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड में बसपा की 2 सीट आने पर राज्य के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। हार की समीक्षा करते हुए मायावती ने कहा कि मुस्लिम समाज ने सही विकल्प चुनने में भूल की है। इसका फायदा उठाकर भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि अगर इसी तरह लोगों का रवैया नहीं बदलता तो समस्या का निदान काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बसपा कार्यकर्ताओं को दिल और जान लगाकर अपना कार्य करना है। पार्टी और संगठन के कामों में नजर आने वाली कमी को दूर करके आगे बढ़ना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से भाजपा की जीत पर निशाना साधा है। इसके साथ ही कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो PM मोदी से टक्कर ले सकते हैं। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने धर्म के नाम पर चुनाव जीता है। इस दौरान CM गहलोत ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चुनाव में उतार चढ़ाव आना लाजमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जनसेवा महत्वपूर्ण है और हम इस बात पर अडिग हैं कि जनता ही हमारा मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा EVM पर फोड़ा। मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे रही, इसका मतलब है EVM को लेकर छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पर हुई वोटिंग बताती है कि असली चुनाव कैसे हुआ। EVM को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है।